दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि निप्पल कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंपल निप्पल, हाइड्रोलिक निप्पल, हेक्स निप्पल और भी बहुत सारे चीज मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा प्रॉपर एक एक चीज और एक एक चीज का नाम भी बताऊंगा और कौन सी निप्पल कहाँ पर यूज में आती है, यही इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों आज हम लोग। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये देखना दोस्तों, अंदर में जिसके अंदर में हल्की सी मतलब फिनिशिंग बनाई हुई है, इसको हाइड्रोलिक निप्पल कहते हैं। जैसे कि जहां पर प्रेशर वाली पाइप लगती है, हाइड्रोलिक पाइप काले कलर की, वो उस जगह पर ये निप्पल यूज होता है, क्योंकि यही लगाएंगे तभी हमारे लीक प्रूफ होगा, नहीं तो दूसरे निप्पल लगाएंगे तो उसमें लीक होने लगेंगे और प्रॉपर टाइट भी नहीं होते हैं हाइड्रोलिक पाइप, क्योंकि हाइड्रोलिक पाइप इसी निप्पल में अटैच होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिक पाइप, इसमें दोस्तों हर साइज के आते हैं, 1/4 से लेकर और भी उससे भी छोटे साइज भी आते हैं हाइड्रोलिक निप्पल। ब्रास में भी आते हैं, MS में भी आते हैं और GI में भी आते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये हो गया, चलिए इसको साइड में रखते हैं। इसके साथ क्या यहाँ पर बहुत सारा है जो कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे साइज में भी है, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। ये सारे दोस्तों हाइड्रोलिक निप्पल है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं MS की, सारे ही MS की है, लेकिन इस पर कोटिंग किया हुआ है इसीलिए ये सादा वाइट वाइट दिख रहा है। तो आपने देख लिया दोस्तों, ये है हाइड्रोलिक निप्पल। अब आपको दिखाते हैं सिंपल निप्पल, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको कौन नहीं जानता है दोस्तों, इसको तो सारे ही जानते होंगे क्योंकि ये सिंपल पाइप का निप्पल है, पाइपों में लगता है तो इसको पाइप में ही काम में लेते हैं दोस्तों। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। अब आप देख रहे हैं जो कि ये भी, ये वाला निप्पल इसको और ये वाला निप्पल दोस्तों आप देख रहे होंगे लगभग आपको सेम नज़र आ रहा है, लेकिन ये सेम नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोलिक निप्पल है और ये वाला हेक्स निप्पल है, सिंपल हेक्स निप्पल जिसको कहते हैं, जो कि बोल्ट के तरह इसमें बनाई हुई है और चूड़ी बनाया हुआ है। तो ये सिंपल निप्पल दोस्तों ऊपर से एकदम बराबर रहते हैं, इसको सिंपल निप्पल कहते हैं। इसमें भी हमने बहुत सारा लिया था, जैसे कि ये वाला है हमारा सिंपल निप्पल और ये वाला, ये सिंपल निप्पल है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं, आगे देखते हैं। ये भी दोनों हमारे हाइड्रोलिक निप्पल है तो इसको भी साइड में रख देते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं, जैसे कि ये वाले देख रहे हैं दोस्तों, ये भी एक प्रकार के निप्पल है, जैसे कि इसको कहीं टाइट कर देते हैं और यहाँ पर पाइप लगा के कलम से, जुबली कलम से टाइट कर देते हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको अगले वीडियो में जुबली कलम के बारे में बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस जगह में उसका काम लेते हैं जुबली कलम। तो आप देख रहे हैं ये भी एक निप्पल है जो कि ब्रास निप्पल है, मतलब पाइप अटैच करते हैं इसके साथ, कोई टाइट नहीं होता है, ये जहाँ लगना है वहाँ लगा के, और इसका बाहर चूड़ी है, अंदर चूड़ी में इसको टाइट करके इसका ऊपर जो सिंपल PVC पाइप होते हैं उस पाइप को यहाँ लगा के जुबली कलम से टाइट कर देते हैं। ज़रूरत के मुताबिक सब कुछ यूज होता है जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये तीनों दोस्तों इसमें ब्रास में भी आते हैं, GI में भी आते हैं और MS में भी आते हैं जो कि आप देख रहे हैं। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं। दोस्तों हमारे पास ये वाला है, इसको ईयर निप्पल कहते हैं, जैसे कि ईयर गन उनमें लगाए जाते हैं, आप वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने आपको गन का फोटो दिख रहा है, यही उसी गन में लगाते हैं दोस्तों, और इसमें पाइप को ऐसे प्रेस करके डाल देते हैं, इसमें टाइट उट करने का कोई झमेला नहीं है। तो ये आप देख लिए, इसका सिंपल काम होता है, इस पर एक कोई ग्लू सा लगाया होता है ताकि हम टाइट करें तो लीक ना हो, तो इसको ईयर निप्पल कहते हैं। इसमें भी हर साइज के आते हैं, 6 mm, 8 mm, 4 mm, 10 mm, 12 mm। तो इसको साइड में रखते हैं दोस्तों, अब आगे आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसको हेक्स रिड्यूसर कहते हैं, जिसकी इनर डाया में भी चूड़ी होता है और आउटर डाया में भी चूड़ी होता है। हम लोग दोस्तों कहाँ काम लेते हैं, अब मान के चलिए कि ये वाला हमारे 1 इंची, तो 1 इंची हमने टाइट कर दिए, अब इसमें हमें 1/4 इंची का पाइप लगाना है, तो ऐसे 1/4 इंची के निप्पल, इसके 1/4 इंची के निप्पल इसके ऊपर हमने टाइट कर दिए और टाइट करके यहाँ पर पाइप को अटैच कर देंगे, टाइट कर देंगे, जो कि उसको वहाँ काम लेते हैं। आप देख रहे हैं मतलब जुगाड़ बनाने के काम आते हैं देसी भाषा में आपको बताऊँ तो। और ये भी आप देख रहे हैं, ये निप्पल है दोस्तों, इसमें ब्रास और हैक्स
इसको भी हैक्स निप्पल कहते हैं, जैसे कि ये ब्रास में भी आता है, एमएस में भी आता है। इसको हम लोग कहाँ काम में लेते हैं कि कहीं टाइट कर दिए और यहाँ से पाइप लगा दिए, जहाँ हाइड्रोलिक पाइप नहीं टाइट करना है, सिंपल पाइप डालकर इसको क्लम्प से टाइट कर देते हैं दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के है ये दोनों दोस्तों, सेम है, जो कि मैंने आपको एक एक चीज़ के बारे में बता दिया। अगर वीडियो आपने पूरा देखा होगा दोस्तों, तो उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, और निप्पलों के नाम जान गए होंगे कि हाइड्रोलिक निप्पल कौन सी होती है, हैक्स निप्पल कौन सी होती है, जीआई निप्पल कौन सी होती है। सिंपल और क्रिटिकल मैंने आपको बता दिया, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में यही काम में लिया जाता है, इसी निप्पल से ज़्यादातर काम में लिया जाता है। आई होप दोस्तों हमारे वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगी। आपके कॉमेंट करने से हमें मोटिवेट होता है दोस्तों, तो ताकि आगे वीडियो लाने में भी मदद होती है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करना, ताकि ऐसे मेरे आने वाले हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।